फैसलाबाद में पहली बार तकरीबन 4 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक लैब बनाई जा रही है। जदीद लैब में 30 लैपटॉप, 15 टैबलेट्स, 40 नशिस्तों का ऑडिटोरियम और रीडिंग रूम शामिल है। डिप्टी कमिश्नर सलमान गनी और डीजी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड साजिद लतीफ ने लैब का दौरा किया। डीजी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने बताया कि इसमें जदीद सहूलियात मुयसर आएंगी। लैब में तहकीकी मकाले और बैन अलावामी लाइब्रेरियों तक पहुंच होगी। लैब से किसी भी उम्र के शहरी फायदा उठा सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर सलमान गनी का कहना था कि अल-फतह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जदीद तरीन ई लैब का काम जल्द मुकम्मल होगा, जिसका बाकायदा इफ्तिताह मार्च में होगा। ताहम शहरियों के लिए इसे जल्द खोल दिया जाएगा। लैपटॉप से आप नहीं पढ़ रहे, बल्कि यहाँ पे ऑडिटोरियम अवेलेबल है, जिसमें आप डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से जो लोग हैं, जिनको हम गाइड कर सकते हैं, उनके लेक्चर्स भी यहाँ पे होंगे। इसी तरह से यहाँ पे ई रोजगार के लिए भी एक कॉर्नर एस्टेब्लिश किया जा रहा है। शहरियों की सहूलत के लिए लाइब्रेरी में 3000 से ज्यादा किताबें भी मुयसर आएंगी। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फकार के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41।